गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है और क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, इसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और इस पे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। कॉन्सेप्ट इसका बहुत अच्छा है। समझने के लिए यूँ समझ सकते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट एक फिजिकल फिनोमिना है। कॉम्पटन इफेक्ट इज ए फिनोमिना विच शोज, जो कि ये शो करता है, शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ वेव इसको यूं समझ ले कि अगर आप लाइट आ रही है, वेव, ये वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये वेव अगर है तो लाइट्स में अगर आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, अगर लाइट के साथ ये रेडिएशन के साथ इतनी चीजें हो रही हैं, तो ये इस बात को शो करता है कि लाइट इज ए वेव। लेकिन अगर ये कॉम्पटन इफेक्ट इस बात को शो करता है कि लाइट इज पार्टिकल, तो पहला इफेक्ट, पहला एक्सपेरिमेंट या पहला थ्योरी जो इस बात को शो करता है कि लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरह से पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट है, इसको हम यहाँ करेंगे और ये बताएंगे कि कोई भी वेव चलती है तो वेव एक तरह से पार्टिकल की तरह काम करती है। तो इसको हम यहाँ शो करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। इसको दो तरीके से समझ सकते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट इज आल्सो नोन एज इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद मैटर, यानी कि एनर्जी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन का मैटर से क्या इंटरेक्शन होता है, आपस में जब दोनों लड़ते हैं तो क्या होता है, तो उस पर ये इफेक्ट है। और इसको समझने के लिए क्लासिकल तरीके से, जब क्वांटम मैकेनिक्स नहीं था, क्लासिकली इसको लोग समझते थे क्लासिकल वे में, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई मेटल है, कोई यहाँ पे मैटर है, ये आपका मेटल है, और इस पर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि लाइट डालें, लाइट ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी डालें, अगर इस पर लाइट पड़ रही है, तो ये माना जाता था कि अगर इसकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी न्यू जीरो है, तो ये जब इस पर स्ट्राइक करेगा तो इसके जो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसी फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेंगे और कुछ नहीं होगा। क्लासिकली ये माना गया कि अगर किसी मेटल पे या किसी पदार्थ पे लाइट पड़ती है तो इस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेटल्स के, वो उसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेंगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स जब आई, क्वांटम वे में देखा जाए, तो कॉम्पटन इफेक्ट ने, एएच कॉम्पटन ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक नया थ्योरी दिया इन 1922 में, कि जब कोई फोटॉन, हाई एनर्जी फोटॉन, हाई एनर्जी रेडिएशन कह सकते हैं, जब किसी मेटल पे इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट नहीं करता, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इसकी कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, खुद एब्जॉर्ब करता है, और ये रिकॉयल होके छटक के बाहर चला जाता है, यहाँ चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन स्किप करके एटम को छोड़ के अपने बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग रिकॉयल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, रिकॉयल इलेक्ट्रॉन। और जो एनर्जी बची इस रेडिएशन की, वो नए फोटॉन के फॉर्म में बाहर चली जाती है। तो
तो ये आपका इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट फोटॉन रेडिएशन कह सकते हैं इसको, रेडिएशन, और ये आपका कहते हैं इसको स्कैटरिंग, स्कैटरिंग रेडिएशन, और ये आपका रिक्वायर इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉम्प्टन, माने ये क्लासिकल तरीका था इसको समझने का कि जब किसी हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन किसी मेटल पे गिरता है तो उसके इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं है, सिर्फ ऑसिलेट करते हैं। लेकिन कॉम्प्टन ने पहली बार 92 में ये बताया कि जो रेडिएशन पड़ता है मेटल पे वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करता, एब्जॉर्ब करने के बाद वहां से बाहर चला जाता है, यानी एनर्जी को ले लेता है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि कोई मटेरियल चीज पर अगर कोई वेव गिरता है और मटेरियल चल जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जरूर इसमें भी कोई पार्टिकल रहा होगा, क्योंकि एक पार्टिकल को दूसरा पार्टिकल ही रिप्लेस कर सकता है और कोई नहीं। तो उन्होंने ये माना कि इसमें जो फोटॉन होता है, फोटॉन एक्ट एज ए पार्टिकल, ये कॉन्सेप्ट था कॉम्प्टन का। इन्होंने ये कहा कि फोटॉन को हम पार्टिकल के फॉर्म में लें और वो पार्टिकल जब इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक होगा तो इलेक्ट्रॉन छटक जाएगा और बाकी जो एनर्जी बचेगी वो फोटॉन के फॉर्म में निकल जाएगी। तो उन्होंने पहली बार इस चीज को एक्सप्लेन किया कि फोटॉन एक्ट्स लाइक ए पार्टिकल। तो हम यहां पर ये शो करेंगे कि कॉम्प्टन इफेक्ट में चेंज क्या होता है, क्या चेंज फ्रीक्वेंसी में, एनर्जी में क्या चेंज होगा इसकी एनर्जी में। तो अगर हम ये मान लें कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है एट रेस्ट, ये इलेक्ट्रॉन हमारा रुका हुआ है और इस इलेक्ट्रॉन पे ये हमारा हाई एनर्जी रेडिएशन गिर रहा है, हाई एनर्जी रेडिएशन, यानी कि हम लोग एक्सरे लेते हैं, यहां पर एक्सरे लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है एनर्जी, और जब ये फोटॉन हाई फ्रीक्वेंसी फोटॉन इस पर गिरेगा तो ये फोटॉन, ये हमारा एक्सिस हो गया, ये एक एक्सिस ले लिया हमने, ये इसको वाई ले लिया, और जब ये इलेक्ट्रॉन पर ये एनर्जी गिरेगी, फोटॉन गिरेगा, तो ये इसका कुछ एनर्जी अपने में अब्जॉर्ब कर लेगा और यहां से छटक के, मतलब इसको रिक्वायर करके ये थोड़ी दूर आगे यहां चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया जिसको हम लोग रिकॉयल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसका हमने एंगल मान लिया ये फाई एंगल पे चला गया। बाकी जो एनर्जी बचेगी वो फोटॉन के फॉर्म में निकल जाएगी दूसरे तरीके, यहां से चूंकि एनर्जी कम हो गई, इसका कुछ पार्ट ये ले लिया है तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जो बचा रहेगा तो उसका हम वेव थोड़ा बड़ा दिखाएंगे, इसकी एनर्जी कम हो गई है, ये हमारा जो बचा ये हम इसे हम कहेंगे स्कैटर्ड रेडिएशन या स्कैटर्ड फोटॉन, और इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू एस होगी। तो यहां हमको शो करना है कि न्यू एस इज लेस देन न्यू जीरो, यानी के जो स्कैटर एनर्जी, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन जो आउटपुट होगा इज लेस देन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, यानी कि जो आउटपुट होगा उसकी एनर्जी इससे कम होगी, क्योंकि यहां पर इसकी टोटल एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है और कुछ एनर्जी आउटपुट फोटॉन। तो कॉम्प्टन ने जो इक्वेशन दिया उनके हिसाब से दोनों के वेव फ्रीक्वेंसी में या वेवलेंथ में शिफ्ट हुआ, तो इसको इस तरह लिखेंगे लेमडा एस माइनस लेमडा न्यू जीरो इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा। तो उन्होंने ये शिफ्ट दिया एक लेमडा शिफ्ट, चूंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो अगर आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कम हो गई इसका मतलब इसका वेवलेंथ बढ़ गया, इसका वेवलेंथ लेमडा जीरो था, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं लेमडा एस इज ग्रेटर देन लेमडा जीरो, क्योंकि दोनों अपोजिट होते हैं। तो जब एनर्जी कम होती है तो उसका वेवलेंथ बढ़ जाता है, और जब एनर्जी ज्यादा होती है तो वेवलेंथ कम होता है, इसलिए लेमडा एस यानी आउटपुट लेमडा एस जो है वो आपका
स्कैटर्ड फोटॉन है और ये आपका इंसिडेंट फोटॉन है। तो यहां पर ये उन्होंने बताया कि हमेशा दोनों में जो घटाएंगे तो ये इतने फैक्टर पे डिपेंड करेगा, यानी कि दोनों में जो शिफ्ट होगा जिसे हम लोग कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट यानी एनर्जी में चेंज होगा, यानी लेमडा एस माइनस लेमडा जीरो इसे हम लोग कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं, ये इक्वल होगा एच बाई एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा के। थीटा हमारा क्या है, ये हमारे थीटा है स्कैटरिंग एंगल। तो कितनी एनर्जी चेंज हो रही है डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन ये आपका फोटॉन जो है कितने एंगल पे स्कैटर्ड हुआ, डिपेंड्स ऑन थीटा ओनली। तो इस फार्मूले में ये जो ये जो शिफ्ट होगा कॉम्पटन शिफ्ट ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ थीटा पे। तो हमको इस इक्वेशन को प्रूफ करना है, ये हमारा कॉम्पटन इक्वेशन है और इसको प्रूफ करने के लिए हमको दो चीजों को का सहारा लेना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम इस फिगर को बना लेते हैं कायदे से और सारी चीजों को एक साथ ले लेते हैं पैरामीटर्स को। तो हमने ये मान लिया कि ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट पर है, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, और यहां इसको हमने एक्सिस मान लिया, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, और इस इलेक्ट्रॉन पर जो रुका हुआ इलेक्ट्रॉन है रेस्ट है इसके ऊपर हम एक रेडिएशन डालना है, हाई एनर्जी रेडिएशन जिसे हम लोग इंसिडेंट फोटॉन कहेंगे, इंसिडेंट फोटॉन जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी न्यू जीरो इंसिडेंट है, और जब ये फोटॉन इस पर टकराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के रिक्वायल होकर के आगे चला जाएगा, जो कि इसको यहां दिखाया जा रहा है, ये हमारा वही यही इलेक्ट्रॉन है जो यहां चला गया, इसको हम लोग रिक्वायल इलेक्ट्रॉन कहेंगे, रिक्वायल इलेक्ट्रॉन, और इसका एंगल होगा हमने मान लिया ये फाई। तो यहां से कुछ एनर्जी ये ले लेगा, बाकी जो एनर्जी बचेगी इसकी वो एक नए फोटॉन के फॉर्म में निकल जाएगी और वो हमारा कुछ ऐसे होगा, इसे हम कहेंगे स्कैटर्ड फोटॉन जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू एस होगा। तो अब हमको ये फिगर है, ये हमारा एंगल हो गया थीटा, यहां पर हमको लगाना है मोमेंटम और एनर्जी का फार्मूला और फिर वो इक्वेशन फॉल्स प्रूव करना है। उसको करने से पहले कुछ चीजें हम देख लें, अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये पहली चीज फोटॉन इस पर टकराता है और बाद में ये इलेक्ट्रॉन और ये फोटॉन अलग हो जाते हैं, तो यहां पर कोलिजन हो रहा है दो चीजों का, ये कोलाइड करता है इससे और ये एरिया कोलिजन से पहले का है, ये एरिया कोलिजन के बाद का है। तो जो मोमेंटम और एनर्जी लगेगा वो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद लगेगा, और दोनों कंजर्वेशन का मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर से पहला मास ऑफ रेस्ट इलेक्ट्रॉन एम जीरो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन न्यू जीरो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन न्यू एस है, उसके बाद स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटॉन थीटा है और रिक्वायर एंगल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमारा फाई है। तो
इतनी चीजें यहाँ कॉमन है, ये बेसिक पैरामीटर हो गया। अब यहाँ पे मोमेंटम का लगाएंगे, मोमेंटम और एनर्जी का। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हर एक पार्टिकल की मोमेंटम और एनर्जी कितना था। तो उसको करने के लिए बिफोर कोलिजन, लड़ने से पहले दोनों का हम ये देखें, लड़ने से पहले क्या था एनर्जी और मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, लड़ने से पहले इनका इसका मोमेंटम कितना था वो हमने माना पी आई, और ये होगा एच न्यू जीरो बाई सी। फॉर्मूला फोटॉन के लिए होता है पी आई। इसी तरह मोमेंटम ऑफ रेस्ट इलेक्ट्रॉन, ये था मोमेंट लड़ने से पहले। सिर्फ दो चीजें थी, लड़ने से पहले ये था और ये था, कोलिजन से पहले। इसका मोमेंटम जीरो होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर रेस्ट है और रेस्ट चीज का मोमेंटम जीरो होता है, वेलोसिटी जीरो होगी, तो इसका मोमेंटम जीरो होगा। अब एनर्जी देख लें, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, इसकी एनर्जी कितनी थी एच न्यू जीरो, ये होता है एच न्यू जीरो। और एनर्जी ऑफ रेस्ट इलेक्ट्रॉन, इसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी, हर एक पार्टिकल का हमको एनर्जी और मोमेंटम निकालना है लड़ने से पहले और लड़ने के बाद। रेस्ट इलेक्ट्रॉन है, रिलेटिविटी इसकी जीरो होगी, रेस्ट है तो हर इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट एनर्जी होती है वही इसकी एनर्जी होगी, यानी एम नॉट जीरो सी स्क्वायर। ये बिफोर कोलिजन हो गया। अब कोलिजन के बाद की चीजों को देखते हैं, ये बिफोर कोलिजन हो गया, ये पैरामीटर इतना। आगे आफ्टर कोलिजन, जब ये फोटॉन इसे स्ट्राइक करेगा तो ये एरिया आपका बिफोर कोलिजन है और ये एरिया आपका आफ्टर कोलिजन है। कोलिजन के बाद एक रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया और एक स्कैटर्ड फोटॉन आ गया। तो यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट के बजाय हम स्कैटर्ड लिखेंगे, स्कैटर्ड फोटॉन, और इसको हमने जैसे यहां पी आई माना था इसको हमने यहां पे पी एस मान लिया स्कैटर्ड, और ये होगा एच न्यू एस बाई सी, एनर्जी बाई सी। ठीक उसी तरीके से मोमेंटम ऑफ रेस्ट इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ, यहां पे रेस्ट था, अब हम इस एरिया में आ गए तो हमारे लिए ये आपका रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मोमेंटम हमने मान लिया पी ई, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मान लिया पी ई हमने मान लिया अपनी तरफ से। अब एनर्जी लेते हैं, एनर्जी ऑफ स्कैटर इस फोटॉन का एनर्जी, स्कैटर्ड फोटॉन, इसकी एनर्जी होगी एच न्यू एस, जैसे यहां पे एच न्यू जीरो था वैसे एच न्यू एस हो जाएगा। और एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां टोटल एनर्जी होगी, रिलेटिविटी और रेस्ट दोनों हो जाएगी क्योंकि यहां पे सिर्फ जीरो था, यहां पे ये था अंडर रूट एम जीरो स्क्वायर सी के पावर फोर प्लस पीई स्क्वायर सी स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास दो चीजें हो गई, एक तो बिफोर कोलिजन और दूसरा आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन में इंसिडेंट फोटॉन आएगा और रेस्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, और आफ्टर कोलिजन में स्कैटर्ड फोटॉन आएगा और रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब इन्हीं दोनों पैरामीटर को लेके हमको
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है इस फिगर में, तो मोमेंटम की जहां तक बात करें तो मोमेंटम एक इसके वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इसका मोमेंटम हम देखें, इसका मोमेंटम दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक एक्स एक्सिस में जाएगा, एक्स एक्सिस में, और दूसरा वाई एक्सिस में जाएगा। ठीक उसी तरह से इसका मोमेंटम अगर हम देखें तो इसका एक एक्स एक्सिस में जाएगा मोमेंटम, और इसका एक वाई एक्सिस में जाएगा। तो हमको मोमेंटम एक्स और वाई दोनों के लांग चेक करना होगा। तो इसके लिए फिगर हम बना लेते हैं अलग से। ये हमारा इलेक्ट्रॉन था और ये फोटॉन आ रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन यहां निकल गया और ये आपका फोटॉन हो गया। ये पी एस है, ये पी आई इसका मोमेंटम था पहला, और ये पी एस हो जाएगा, और ये इसका पीई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, और ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये एंगल हमारा फाई हो गया और ये एंगल हमारा थीटा हो गया, ये माइनस वाई डैश हो गया। तो अब इस यहां पर हम मोमेंटम लगाते हैं अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे मोमेंटम लगाते हैं बिफोर कोलिजन, इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, दोनों लड़ने से और लड़ने के बाद बराबर होंगे, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। और मोमेंटम हमको लगाना है तो बिफोर कोलिजन में हम यहां पर आ जाएंगे। कोलिजन से पहले दो चीजें, इंसिडेंट फोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो मोमेंटम अगर हम देखें बिफोर कोलिजन, तो एक्स एक्सिस पर ये एक्स एक्सिस पर है तो ये भी एक्स पर है, तो उसके लिए कोलिजन से पहले मोमेंटम फोटॉन का कितना था, पी आई ये दिया हुआ है, प्लस कोलिजन से पहले इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है, जीरो। डाटा हमें यहां से रखते जाएंगे हम। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद अगर देखें तो दोनों के डायरेक्शन अलग जा रहे हैं और दोनों अलग एक्सिस में जा रहे हैं, तो मोमेंटम हमारा इलेक्ट्रॉन का है और फोटॉन का है। तो इसका मोमेंटम एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो यहां पर जो इसका जो कंपोनेंट होगा पी एस का, वो हमारा होगा पी एस कॉस थीटा। ठीक उस तरह से यहां पर होगा हमारा पीई कॉस थीटा। फाई होगा, सॉरी ये फाई है, फाई है। तो आफ्टर कोलिजन यहां देखें मोमेंटम ऑफ स्कैटर फोटॉन पीएस है, पीएस कॉस थीटा प्लस पीई इलेक्ट्रॉन का पीई कॉस फाई, और पीई कॉस फाई को हम लिख सकते हैं पी आई माइनस पी एस कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर वन हो गया। तो ये हमने एक्स एक्सिस लगा था, इस तरह से वाई एक्सिस लेंगे अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर ले बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन के बाद इस कॉलम में आ जाए
स्कैटर्ड फोटॉन का कोलिजन वाई एक्सिस पे, पीएस जो है आपका ये पीएस है, इसका वाई एक्सिस नीचे आएगा तो ये आएगा आपका माइनस पी एस साइन थीटा। इसका मोमेंटम हो गया प्लस इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, बिफोर कोलिजन आ जाए, बिफोर कोलिजन आपका पीएस है, सॉरी ये जीरो रहेगा क्योंकि इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस पे जीरो है। तो बिफोर कोलिजन वाई एक्सिस पे दोनों के कंपोनेंट जीरो हैं, इलेक्ट्रॉन के भी और फोटॉन के भी, तो ये जीरो हो जाएगा इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन यहां आ जाए दोनों के मोमेंटम देखें हम इलेक्ट्रॉन के और फोटॉन के, तो ये आपका ऊपर जाएगा तो इसका कंपोनेंट होगा पीई साइन फाई वाई एक्सिस पे, और इसका जो होगा वो पी एस साइन फाई, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में से माइनस हो जाएगा तो माइनस पी एस साइन थीटा प्लस पीई साइन फाई। यहां से देखें इसको हम ट्रांसफर कर लें तो पीई साइन फाई इक्वल टू पीई साइन फाई इज इक्वल टू पी एस साइन थीटा, इक्वेशन नंबर दो। इक्वेशन नंबर वन और दो को देखिए, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो हमारा ये फाइव टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो इसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं, अब इसकी जरूरत हमको नहीं है, मिटा दे रहे इसको। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, इसको स्क्वायर कीजिए तो ये आपका आ जाएगा पी ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस इज इक्वल टू पी आई माइनस पी एस कॉस थीटा होल स्क्वायर, प्लस हमने जोड़ दिया इधर पी ई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐड कर दिया दोनों की तरह इधर ऐड कर दिया तो इधर आपका आ जाएगा पी ई स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई इज इक्वल टू पी आई माइनस पी एस कास थीटा होल स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको सिंपल कीजिए ये वन हो जाएगा, ये पी ई स्क्वायर हो गया, इसको ब्रेक कीजिए पी आई स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू पी आई पी एस कॉस थीटा प्लस पी एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पी एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर में है और पी एस स्क्वायर साइन स्क्वायर में, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा पी ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी आई स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर माइनस टू पी आई पी एस कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर थ्री। यहां हमने मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाया और मोमेंटम के फॉर्म में एक फार्मूला निकाला, अब हमको इसी इक्वेशन पे इसी फिगर पे एनर्जी का कंजर्वेशन निकालना है और फिर एक इक्वेशन निकाल के इसको टैली करना है। चूंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है इसलिए उसको एक्स और वाई कंपोनेंट जरूरत नहीं होती है, तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, कोलिजन से पहले और बाद में दोनों एनर्जी बराबर होनी चाहिए, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, तो इससे लड़ने से पहले इसकी एनर्जी एच न्यू जीरो थी और इसकी एनर्जी एच न्यू
ऐसे। तो बिफोर कोलिजन एनर्जी एच न्यू जीरो प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो कि रेस्ट एनर्जी थी एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू लड़ने के बाद इसकी इस फोटॉन की एनर्जी एच न्यू एस हो गई और इस इलेक्ट्रॉन रिक्वायर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई अंडर रूट एम जीरो स्क्वायर सी की पावर फोर प्लस पीई स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये अंडर रूट है, यहां पर इस अंडर रूट को हटाने के लिए हमको ये टर्म को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हम इस तरह ट्रांसफर करें एच न्यू जीरो माइनस एच न्यू एस प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट जीरो स्क्वायर सी के पावर फोर। ये अंडर रूट है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एच न्यू जीरो माइनस एच न्यू एस प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट हट जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी के पावर फोर। इस टर्म को पूरा ब्रेक कर दें होल स्क्वायर के साथ, तो यहां पर आएगा आपका एच न्यू जीरो माइनस एच न्यू एस होल स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एम नॉट जीरो सी स्क्वायर एच न्यू जीरो माइनस एच न्यू एस इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर सी के पावर फोर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी के पावर फोर। ये टर्म आया, यहां से एम जीरो नॉट स्क्वायर सी के पावर फोर दोनों साइड में है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब फिगर जरूरत हमको नहीं है, अभी इस इक्वेशन जो पड़ी इसको रखते हैं हम। यहां से देखिए एच न्यू जीरो माइनस एच न्यू एस स्क्वायर प्लस टू एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू एस जीरो माइनस एच न्यू एस इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये टर्म आया, सी स्क्वायर यहां पर है, सी स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड करते अगर हम तो ये आपका हो जाएगा एच न्यू जीरो माइनस एच न्यू एस स्क्वायर में, इसलिए बाई सी हो जाएगा प्लस टू एम नॉट जीरो एच कॉमन ले लिया न्यू जीरो माइनस न्यू एस ये आपका हो जाएगा पीई स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन, इसको चेंज कर लें, ये पी आई है एच न्यू जीरो बाई सी इंसिडेंट और ये हमारा पी एस है स्क्वायर प्लस टू एम नॉट एच न्यू जीरो माइनस न्यू एस इक्वल टू पीई स्क्वायर। इसको ब्रेक कर दें, पी आई स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर माइनस टू पी आई पी एस प्लस टू नॉट एम नॉट एच न्यू जीरो माइनस न्यू एस इक्वल टू पी ई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर चार। अब तीन और चार को टैली करें, यहाँ पी ई स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ भी पी स्क्वायर दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो इसलिए इसको टैली करें इक्वेशन थ्री और फोर से। फ्रॉम थ्री एंड फोर दोनों को टैली कीजिए तो ये हो जाएगा आपका पी आई स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर माइनस टू पी आई पी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू ये टर्म पी आई स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर प्लस माइनस आएगा माइनस टू पी आई पी एस
कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा प्लस 2 एम नॉट एच न्यू जीरो माइनस न्यू एस। जो कैंसिल टर्म हो रहे हैं वो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे आपस में और बचेगा आपका 2 पी आई पी एस माइनस, ये टर्म इधर आ जाएगा माइनस 2 पी आई पी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 एम नॉट एच न्यू जीरो माइनस न्यू एस। जो टर्म कॉमन हो रहा है वो 2 पी आई पी एस कॉमन ले लें हम यहां से, तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू एम नॉट एच न्यू एस माइनस न्यू एस। वैल्यू रख दें हम इसकी, 2 2 कैंसिल हो गया, पी आई की जगह होता है एच न्यू जीरो बाई सी और पी एस होता है एच न्यू एस बाई सी। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम नॉट एच न्यू जीरो माइनस न्यू एस। यहां से ये आपका हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू जीरो न्यू एस बाय सी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम नॉट एच न्यू जीरो माइनस न्यू एस। इसको रीअरेंज करें, एक एच कैंसिल हो जाएगा इससे, ये एच इससे कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बचेगा आपका एच 1 माइनस कॉस थीटा बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जीरो न्यू जीरो माइनस न्यू एस बाई न्यू जीरो न्यू एस। इसको हमने नीचे ले लिया, तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एच बाई सी एम जीरो सी स्क्वायर एच बाई एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई न्यू एस माइनस 1 बाई न्यू जीरो आउट हो जाएगा। यहां पर सी है, एक सी हम ट्रांसफर कर देकर एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, तो एक सी हमारा उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा सी बाई न्यू एस माइनस सी बाई न्यू जीरो और सी बाई न्यू जीरो न्यू एस का मतलब वेलोसिटी बाई लाइट डिपेंड बाई फ्रीक्वेंसी, ये हमारा वेवलेंथ होता है, ये आपका हो जाएगा लेमडा एस माइनस लेमडा जीरो इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा और लेमडा एस माइनस लेमडा जीरो इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। और यही आपका प्रूफ करना था, यही हमारा क्वांटम इफेक्ट है, क्वांटम शिफ्ट डेल्टा लेमडा यानी कि लेमडा एस माइनस लेमडा जीरो। तो ये प्रूफ हो गया कि जो शिफ्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता है और ये आपका क्वांटम इफेक्ट है। थैंक यू।